नमस्ते, हमारे साथ हैं भागवत भाष्कर श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी। हम पूरा अफेक्शन एंड अफेक्शन के साथ बुलाते हैं ठाकुर जी। आपको भारत मार्ग के तरफ से स्वागत है। आपने इधर हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए, चैट ऑन भारत मार्ग में इंटरव्यू करने के लिए आपने हाँ बोले, इसके लिए हमने बहुत धन्यवाद करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंटरव्यू। थैंक यू। ओके, एंड माय क्वेश्चन टू यू टू बिगिन विद, यू नो, इज अगर कोई सनातन धर्म फॉलोवर, यू नो, इफ अ पर्सन इज फॉलोइंग सनातन धर्म, right, what are all the things they have to do, like what we call daily karma, din karma, you know, some of the things, can you advise us on what is the right thing to do? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं और विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म है। सनातन का मतलब होता है अति प्राचीन, जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं, जिस दिन से सृष्टि का शुभारंभ हुआ, जिस दिन से परमात्मा ने सृष्टि की नींव रखी, उस दिन से सनातन धर्म ही था। सनातन धर्म सबसे प्राचीन है और सनातन धर्म के 10 सूत्र हैं। 10 सूत्रों में एक सूत्र को 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने अपना लिया, एक सूत्र को 1400 वर्ष पहले मोहम्मद साहब ने अपना लिया, उससे इस्लाम प्रादुर्भूत हो गया, और 2100 वर्ष पहले ईसाई धर्म शुरू हो गया। लेकिन सबके मूल में सनातन है, मूल तो सनातन धर्म ही सबका है। तो सनातन धर्म जो है ये सर्वोच्च धर्म भी माना गया है। भगवान वेदव्यास से एक बार लोगों ने प्रश्न किया, धर्म का मूल क्या है, धर्म का स्वरूप सारांश क्या है? तो भगवान वेदव्यास ने कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वेदव्यास ने कहा यही सनातन धर्म का मूल है कि जो चीज तुम्हें अपने लिए बुरी लगती है, जो अपने व्यवहार में हम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, वो काम किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। हमें स्विच होता है डॉक्टर, तकलीफ होती है, हमें कोई दुर्वचन बोलता है तो तकलीफ होती है, ऐसी हमें किसी को कष्ट मनसा वाचा कर्मणा नहीं देना चाहिए, ये सनातन धर्म का मूल है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। दूसरे का हित करना ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है, और दूसरे को तकलीफ देना, कष्ट पहुंचाना, यही अधर्म है। अब आपने पूछा कि सनातन धर्म का पालन करने वालों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सवेरे से लेकर के रात्रि पर्यंत उनको कैसे रहना चाहिए। तो सनातन धर्म का प्रारंभ कहाँ से हम करते हैं, अपने दैनिक चर्या का? सबसे पहले हम प्रातः उठें तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, कर्मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे जीवन में तीन चीजों का बड़ा महत्व है, उसमें एक है कर्म, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है भक्ति। इन तीन का जरूरत है। तो हम प्रातः उठते ही अपने अग्रभाग को देखते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्र में लक्ष्मी का वास है। इसका मतलब क्या है कि हम कर्म करेंगे तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिना कर्म किए तो कुछ मिलेगा नहीं। तो हम निष्ठा से कर्म करेंगे तो कर के अग्रभाग में लक्ष्मी वास करती है। भाग्यवादी व्यक्ति लक्ष्मीवान नहीं हो सकते, जो कर्मवादी हैं वो लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। और कर्मध्ये सरस्वती, सरस्वती मीन्स ज्ञान। तो यदि कर्म करते समय निष्ठा से कर्मापन करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, सरस्वती भी हमको प्राप्त होती है। और कर्मूले तु गोविंद, कर्म करते करते यदि कर्म में निष्कामता आ जाए तो गोविंद यानी परमात्मा भी हमसे दूर नहीं है। कर्म प्रधान है तो अपने दिन का शुभारंभ हम कर्म से करें, लक्ष्मी वंदन करें, सरस्वती पूजन करें और अपने आत्मा का चिंतन करें। मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, चिन्मय हूँ, शाश्वत और आत्मा हूँ,
तो इसका शुभारंभ हम इससे करें। अच्छा, हमारे यहाँ पे सबको हम पूजते हैं, तो पृथ्वी पर अपने पैर को रखने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्वमे। समुद्र आपका वस्त्र है माँ पृथ्वी देवी, और ये जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो आपके स्तन मंडल हैं। हे विष्णु पत्नी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे कर्म करना है, इसलिए आपके ऊपर पैर रखने को मैं विवश हूँ। उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाएं, आकर के स्नान करें, और ज्यादा बृहत नहीं संक्षिप्त ही सही परमात्मा की पूजा करें। अब देखिए, यह बड़ी समझने की बात है, जो सनातन धर्मी होते हैं वो पंचदेवोपासक होते हैं, पंचदेवों की उपासना। पंचदेवों में पहला देव है गणपति, गणेश उपासना। दूसरा है सूर्य, भास्कर, तेज, अग्नि की उपासना। तीसरा है दुर्गा, शक्ति की उपासना। चौथा है परात्पर विष्णु, परमात्मा विष्णु, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, सारी सृष्टि उसी से चलती है। और पांचवा है शिव, शाम्ब सदाशिव, शिव मीन्स कल्याण। तो हम पंचदेवों की उपासना करें, इन पंचदेवों के जितने अवतार हैं उसमें हम किसी की पूजा कर सकते हैं। जैसे गणेश की पूजा करें अष्ट विनायक, किसी को पूज लो। सूर्य की उपासना करें, सूर्य के जो अंश हैं उनकी हम पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु, विष्णु के 24 अवतार हैं, 8 कर्म योगी, 8 ज्ञान योगी और 8 भक्ति योगी, तो 8 × 24। तो विष्णु के 24 अवतारों में किसी की भी पूजा करें, राम है, कृष्ण है, जो भी उनके 24 अवतारों में हैं। और भगवान शिव, शिव के द्वादश रूप हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग, अपन किसी की भी पूजा कर सकते हैं। दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी के जितने भी स्वरूप हैं उन सब देवियों की अपन पूजा कर सकते हैं। शिव जी का ही अवतार हनुमान है, इसलिए हनुमान की पूजा कर सकते हैं, या इनमें से किसी एक की पूजा करें। केवल परात्पर विष्णु की पूजा करने से समस्त देवों की पूजा हो सकती है। उनकी पूजा करके हम कर्म पर लग जाएं, और कर्म जो करें उसमें हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धच, सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर, प्रत्येक काल में मेरा स्मरण करो और कर्म भी करो, युद्ध भी करो। बस ऐसे करके अपने निष्ठा से कर्म करें, सायंकाल आकर भगवान का धन्यवाद करें, आपकी बहुत कृपा है, मेरा दिन अच्छे से गुजरा। शाम को बैठकर भगवत चिंतन करें, भोजन प्रसाद लें, विश्राम करें, ये दिनचर्या होनी चाहिए। लेकिन सनातन धर्म का जो मूल मैंने आपसे कहा था, मूल है अहिंसा परमो धर्म। किसी जीव को तकलीफ नहीं देनी, किसी जीव को मारना नहीं, किसी जीव को कष्ट नहीं देना, अपने द्वारा जितना बन सके लोगों का हित करना। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। तो दूसरे का हित अपन करें, अच्छे ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं, और जितना भी धन अपन कमाएं उसका 10% हमको अच्छे काम के लिए निकालना चाहिए। कॉलेज हैं, स्कूल हैं, गौ सेवा है, राष्ट्र सेवा है, समाज की सेवा है, मंदिर का निर्माण है, संत सेवा है, विपन्न गरीबों की सेवा है, जरूरतमंदों की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा शिक्षा की सेवा, एजुकेशन, उसके लिए हमें 10% निकालना चाहिए। इससे हमारे धन की शुद्धि होती है, और यही सनातन धर्मियों की दैनिक दिनचर्या होती है। जय श्री कृष्ण।